Good morning, good afternoon, good evening. दोस्तों केविन सर बैक फ्रॉम पर्सनल ट्यूटर स्टैंडर्ड 12th ज्योग्राफी प्लेलिस्ट आप लोग मेरे साथ देख रहे हैं. चैप्टर है ह्यूमन सेटलमेंट्स. टॉपिक जो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ रूरल सेटलमेंट्स. हमने मेरे प्रीवियस वीडियोज़ में देखा, जानने के लिए हमारी प्लेलिस्ट देखिए. प्रीवियस वीडियोज़ में आपने देखा है कि रूरल सेटलमेंट्स क्या होते हैं, किन टाइप के सेटलमेंट्स होते हैं. अब जानते हैं कि रूरल सेटलमेंट्स को इनैक्ट करने के लिए क्या फैक्टर्स चिन्हित किए जाते हैं. व्हाट फैक्टर्स पीपल चूज टू गो अहेड एंड स्टे इन अ रूरल सोसाइटी. सबसे पहले वाटर सप्लाई. दोस्तों एक रूरल सोसाइटी का क्रक्स पानी की अवेलेबिलिटी पे सबसे ज्यादा टिका रहता है. इनफैक्ट अगर मैं सिविलाइजेशंस की बात करूं तो सिविलाइजेशंस की शुरुआत नदी के किनारों पे, नदी के तटों पे ही हुई थी. एंड देन दे स्लोली स्टार्टेड एक्सपांडिंग. हुआ ये था कि जैसे जैसे ये नदियां सूखती गई, सिविलाइजेशंस खत्म होते गए, या नदियों ने अपना रास्ता बदला, सिविलाइजेशंस शिफ्ट होते गए. क्यों इनके पास में, इस वाटर सप्लाई के पास में लोग रहना चाहते हैं? क्योंकि यहाँ पर उनकी बहुत सारी नीड्स पूरी हो जाती थी. वाटर वॉज अवेलेबल फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग, वॉशिंग, सबसे इम्पॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसेस. पीपल स्टार्टेड लिविंग इनटू सिविलाइजेशंस, इनटू प्लांट सेटलमेंट्स. एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस शुरू हो गई थी. उन प्रैक्टिसेस के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती थी. एंड लेटर ऑन अगर हम देखें तो नेविगेशन, एक जगह से दूसरी जगह जाना, ये भी इन वाटरवेज के थ्रू काफ़ी ईजी हो गया था. आज भी अगर हम देखते हैं तो लोग यूजली नदी किनारे या ओशन के किनारे रहना, पोर्ट सिटीज़ में रहना पसंद करते हैं. अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल, उसके बाद में प्रोक्योरमेंट ऑफ रिसोर्सेज सच एज वाटर, देन काफ़ी सारे बिजनेस एक्टिविटीज़, पिसीकल्चर, फिशरीज वगैरह, ये सब चीज़ें इसमें शुरू हो जाती दोस्तों. नेक्स्ट आती है लैंड. नेक्स्ट फैक्टर इज लैंड. यूजली लोग ऐसे जमीन के टुकड़े के पास रहना चाहेंगे जहां पर टेरेन बहुत खराब नहीं हो, स्वैम्प्स नहीं हो, दलदली इलाके नहीं हो, काफी सूखा भी नहीं हो. अगर वहां पर पानी की अवेलेबिलिटी भी हो जाए तो लैंड क्या सॉइल तो फर्टाइल हो. आप रेगिस्तान में बड़ा सा सेटलमेंट बना रहे हैं, पानी पहुंचा लिया और चले गन्ने की खेती करने, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा दोस्तों. सो लैंड अकॉर्डिंग टू इट्स फर्टिलिटी एंड साथ ही साथ फर्टिलिटी के साथ ही साथ उसकी अवेलेबिलिटी और विसिनिटी टूवर्ड्स क्लीनर पैचेस भी एक फैक्टर बन के आता है. हम यूजली स्टोरीज में देखते हैं कि दलदली इलाकों में लोग सेटलमेंट्स नहीं बनाते हैं. क्यों नहीं बनाते हैं? बताने की जरूरत नहीं है. इन स्वाम्प्स यूजली पीपल लाइक टू स्टे near dry lands. And then आती है next factor, that is uplands. ये height के हिसाब से होता है. अगर हम बात करते हैं land या water supply near rivers area, तो यहाँ पर एक risk factor रहता है. कभी नदी में अगर बाढ़ आ गई तो, flooding हो गई तो ये एक risk हमेशा carry करके रखते हैं लोग. uplands में रहने में ये risk नहीं रहता है. लोग पहाड़ी इलाकों में इसलिए रहना शुरू करते हैं, थोड़े से हाइट वाले एरिया या प्लेटूज में, क्योंकि वहाँ पे फ्लडिंग के प्रॉब्लम्स नहीं रहते दोस्तों. वहाँ पर कभी ऐसे इश्यूज नहीं आएंगे जिस कारण से लोगों को थोड़ा सा लो लैंड में रहने का डर रहे. नेक्स्ट थिंग दैट इज अ बिग फैक्टर इन सेटिंग अप रूरल सेटलमेंट्स. ध्यान रहे मैं रूरल सेटलमेंट्स की बात कर रहा हूँ. आप इस टॉपिक को ये मत समझिएगा कि ये हर टाइप के सेटलमेंट्स में चूज किया जाता है. अपलैंड में भी लोग, रूरल लोग इसलिए ऊपर रहना चाहते हैं, किस जो गांव होते हैं वो पहाड़ियों पे इसलिए बनते हैं क्योंकि निचले इलाकों में, वैलीज में थोड़ा सा हिमस्खलन, जैसे लैंडस्लाइड कहते हैं या फ्लडिंग, उसका डर रहता है. बिल्डिंग मटेरियल की अवेलेबिलिटी भी रूरल सेटलमेंट्स को सेट करने में बहुत इंपॉर्टेंट होती है. जिस एरिया के पास या जिस विलेज के पास बिल्डिंग मटेरियल प्रोक्योर करने की बहुत अच्छी, मतलब विसिनिटी रहेगी, नज़दीकी रहेगी, वो उसी एरिया में घर बनाएंगे या सेटलमेंट या कस्बा सेट करेंगे दोस्तों. दे विल नेवर गो अहेड एंड ट्राई
टू क्रिएट अ हाउस और अ सेटलमेंट इन द मिडल ऑफ अ डेजर्ट और इन द मिडल ऑफ नॉर्थ पोल या साउथ पोल, क्योंकि वहां पे सामान पहुंचाना इतना मुश्किल हो जाएगा। और गरीब इंसान जो रूरल सेटलमेंट में रहता है उसके लिए एक घर, एक शेल्टर बनाना सबसे बड़ी चीज हो जाती है। तो वो उस चीज़ की अवेलेबिलिटी में आसानी देखेगा, ना कि उसको लाने में जुगाड़ लगाने की या जुगात लगाने की कोशिश करेगा। डिफेंस, पुराने ज़माने से हम देखते आए हैं कि गांव या कस्बे यूजली राजा महाराजाओं के किले के पास होते थे। ये क्यों होते थे? शत्रु सेना कभी अटैक करेगी या हमला करेगी तो गांव वाले सब भाग के राजा के किले में शरण लेते हैं और ज़रूरत पड़ने पे उसके सैनिक भी बन जाते हैं। तो ये विसिनिटी जो कि डिफेंसिव मेजर्स के पास में, जो बड़े बड़े किले या फोर्ट्स इनके पास में या उनके अंदर भी कभी कभी हमने देखा है, काफ़ी कस्बे काफ़ी गांव बन जाते हैं, वो इसलिए बनते हैं बिकॉज इट प्रोवाइड्स एन ओवरऑल सिक्योरिटी। अगर आप हिस्ट्री में किंगडम ऑफ पढ़ेंगे, अगर आप वहाँ पर किंगडम ऑफ कृष्णदेव राया दैट इज विजयनगर पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा दोस्तों कि वहां पर तो देवर लाइक सीरीज, एक दो नहीं सीरीज ऑफ वॉल्स थी जिसके अंदर सेटलमेंट्स बनाए गए थे। वो सिर्फ इसलिए बनाए गए थे ताकि लोगों की एक सेफ्टी रहे। परफेक्ट एग्जांपल ऑफ डिफेंस दोस्तों। एंड देन प्लांट सेटलमेंट्स, अक्सर ये भी होता है कि गवर्नमेंट एजेंसीज या गवर्नमेंट कुछ ऐसे स्पेसिफिक एरियाज डिफाइन करती है, चिन्हित करती है जहाँ पे उनको कुछ सेटलमेंट्स करवाने हैं। देखिए फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट एक हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट बना रही है, एक रिवर के पास में एक डैम बिल्ड कर रही है रिवर पर। उसके लिए गवर्नमेंट को वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लेबर की ज़रूरत पड़ेगी, तो उस हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट के पास में एक कस्बा बसाया जाएगा जहाँ पे स्पेसिफिक स्किल्ड लोगों को बुला के रखा जाएगा। आप एनटीपीसी की कॉलोनीज देख लीजिए, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन जो है उनके आप कुछ सेटलमेंट्स देख लीजिए लेबर के, उनको वहाँ पे क्वार्टर्स बना के दिए जाते हैं, वो डैम के पास ही लोग रहते हैं, ज़रूरत पड़ने पे किसी नज़दीकी शहर या कस्बे जाकर अपना पूरा सामान खरीद के लाते हैं, मंडी लगती है, हफ्ते में एक दिन जाएंगे लेकर आएंगे भैया और अच्छे से रहेंगे। तो गवर्नमेंट भी ऐसी कुछ स्कीम्स बना के रखती है जहाँ पे लोगों को जाने के लिए ल्यूक्रेटिव ऑफर्स मिलते हैं। वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफर्स देती है, जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन है तो वहाँ कुछ टैक्स रिबेट्स दे देती है, इलेक्ट्रिसिटी टैक्स, वाटर टैक्स वगैरह में रिबेट मिलने लग जाते हैं लोगों को, तो इस तरीके से उनको ल्योर करा जाता है। तो नाउ आई गेस आपको पता चल गए होंगे क्या फैक्टर्स होते हैं जो रूरल सेटलमेंट्स को इन्फ्लुएट करते हैं और किस तरीके से उनको इन्फैचुएट करते हैं, और रूरल लोग क्यों ऐसे फैक्टर्स को चूज करते हैं रहने के लिए। फिर भी अगर कोई डाउट है दोस्तों तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। आई विल बी गोइंग अहेड एंड रिप्लाइंग बैक। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू अगेन, बाय बाय।